Hey guys, welcome to my YouTube channel और ये how to make a blog website with PHP का part 3rd वीडियो का। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर तुमने पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले वो दोनों पार्ट्स देखो ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आए अच्छे से कि मैं इस वीडियो में कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या बनाने वाले हैं, तो तुमने पिछले वीडियो अगर देखी हुई तो देखा होगा हमने क्या किया। तो इस वीडियो में हम उसके आगे का काम करेंगे, जैसे कि जो ऊपर ये नेविगेशन बार है हमारा, ये अभी स्टैटिकली यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको डायनेमिकली बनाएंगे। मतलब ये मेनू और ये यहाँ पे टाइटल, पेज टाइटल एंड इसको हम डायनेमिकली बनाएंगे। प्लस हम क्या करेंगे, तुम जब से किसी भी पोस्ट को खोल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें शेयर दिस पोस्ट, कॉमेंट ऑन दिस पोस्ट, ये दो बटन दिख रहे हैं। पर अगर तुम शेयर दिस पोस्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं हो रहा, कॉमेंट ऑन दिस पर करोगे तो भी कुछ नहीं हो रहा, तो हम इनको भी वर्किंग बनाएंगे। सो या तो इतना ही करेंगे हम इसमें, इसके बाद हम एडमिन पैनल पे काम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो इसमें हम ये कुछ चेंजेस करेंगे और यहाँ पे कमेंट्स भी दिखाएंगे, तो ये सब। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे सबसे पहले नेविगेशन बार को डायनेमिक बनाते हैं। ठीक है, तो चलो आज हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ मेनू। ओके, एंड गो करता हूँ। ओके, यहाँ पर लिखा है सॉरी आईडी। अब मेनू का मुझे नेम देना है, नेम, ठीक है, एंड या आई थिंक इतना बहुत है। मैं इसको लिंक दे देता हूँ, इसको मैं वॉल कैरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं साइज देता हूँ 200 और इंट को मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ लाइक दैट। ऑसम। और अब हम यहाँ पे एक और ओके एडिशन डिडंट क्रिएटेड दैट, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो तुम देखोगे यहाँ पे मेनू नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है, मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है सब मेनू। ठीक है, लेट क्रिएट सब मेनू। सब मेनू इसलिए क्योंकि देखो जैसे तुम देख रहे हो सब मेनू, तो इसके लिए भी हम कोड करेंगे। तो लेट क्रिएटेड सब मेनू यहाँ पे, और यहाँ पे भी आईडी चाहिए। अब सब मेनू तो उसका एक पेरेंट होगा, मैं आप ले दूंगा पेरेंट मेनू आईडी, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नेम, मतलब सब मेनू का नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको वार्चा दे दूंगा, बाकी इंट रहेगा, मैं इसको साइज देता हूँ 200 एंड ईआई नॉट इंक्रीमेंट एंड सेव। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ मेनू को इंसर्ट करवा लेता हूँ, लाइक इंसर्ट। मुझे यहाँ पे किस किस तरीके के मेनू चाहिए, आई मीन मैं सेक्शन बना सकता हूँ। ओह सॉरी, हमने यहाँ पे एक चीज तो ऐड नहीं की, मान लो हम मेनू पे कोई लिंक बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो हम फिर से बना लेते हैं, इसमें लिंक ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसके स्ट्रक्चर में जाऊँगा, वी हैव टू चेंज इट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं एक्शन, एंड इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट एंड सेव कर देता हूँ। सेम चीज हमें सब मेनू में भी करना है, वी हैव टू एन एक्शन ना, ताकि तो मतलब तभी तो हम उसे लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको एक्शन, इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट। परफेक्ट, हमें इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेनू है मैं सबसे पहले मेनू बना लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें किस किस तरीके के बटन, सबसे पहले होम बटन बनाते हैं, नेम मैं लिखता हूँ होम। ठीक है, इसका एक्शन रखता हूँ मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी। परफेक्ट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ जस्ट लाइक कॉन्टेक्टस, इसको मैं मेनू कुछ नहीं रखता हूँ, यहाँ पे हैश टैग लिख देता हूँ ब्लैंक। देन मैं एक और बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इसको मैं कैटेगरीज में रखूंगा, कैटेगरीज। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्शन बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक ओके 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 कुछ नहीं ब्लैंक, क्योंकि हम इसके अंदर सब मेनू बनाएंगे। अब मैं गो कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन मेनूज बनाए, अब सब मेनू हमने नहीं बनाया, हमने सिर्फ मेनू बनाया था। अब हम इस चीज को पहले डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो
तो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखोगे तो ये क्योंकि टॉप बार में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे, हमने टॉप बार को अलग इंक्लूड फोल्डर में रखा था, तो हम यहाँ पे नैव बार पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारी जो मेनू है यहाँ पे शो हो रहा है, परफेक्ट। अब देखो सबसे पहली चीज जो है, हमें अगर नॉर्मल मेनू दिखाना है तो इस वाली चीज को हम ले लेते हैं, और हमें ड्रॉप डाउन दिखाना हो तो हम इस वाले को लेंगे, ठीक है, देख सकते हो। तो मैं को अभी नॉर्मली दिखाना है तो मैं नॉर्मली इस वाले को लूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, तो सेव इट, इसको लेते हैं, ओके, एंड देन अब यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट एंड PHP एंड करता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेरी बनाता हूँ, नेव क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेनू, ओके, एंड लाइक रन रन नेव, विच इज, मैं यूनिक नेम इसलिए दे रहा था कि सेम वेरिएबल इसमें एक दूसरे को क्रॉस साइट ना करें, जिससे हमें तो प्रॉब्लम ना हो। MySQL क्वेरी एंड इसमें हम पास करेंगे DB एंड सेकंड वन इज नैव क्वेरी, ओके। अब हम इसको लूप में चला लेंगे, व्हाइल डॉलर मेनू इज इक्वल टू डॉलर ओ MySQLi फेच एसओ, हम इसके अंदर पास करेंगे रन नैव, परफेक्ट। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इस चीज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कट कर देता हूँ, एंड देन इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल एज दैट। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या ये यहाँ पे चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, होम होम दो बार दिख रहा है, तो चलो पहले एक्चुअली तीन बार दिख रहा है, होम होम होम। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, होम पे हम प्रिंट करवाएंगे क्या, नेम, जो कि हमने वहां पे दिया था कॉलम का नेम, क्योंकि मैं नेम लिखता हूँ, यहाँ पे पास करूंगा नेम, then I save it, then I refresh it, आप देखोगे home contacts and categories यहाँ पे दिख रहे हैं, पर अभी क्या है कि इसके जो हमने यहाँ पे ये नहीं डाला, इसका action नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा dollar menu action, perfect। अब मैं refresh करता हूँ, तो तुम देखोगे home पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हम index.php पे आ रहे हैं, है ना, contacts पे अभी हमने कुछ नहीं लगाया। मैं किसी भी, अगर देखो इंक्लूड करने का फायदा यही होता है, देखो हमने नया बार में एक बार चेंज किया, हमने नया बार जहां जहां इंक्लूड कर रखा है वहां वहीं चेंज हो गया होगा, होम पे क्लिक करो तो इंडेक्स पेज पे, परफेक्ट, ठीक है। तो हम ये ड्रॉप डाउन वाली चीज करते हैं, इसके लिए हमें सब मेनू क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले तो मैं सब मेनू क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हम सब मेनू, ठीक है, एंड लाइक इंसर्ट, एंड हम यहाँ पे नेम देते हैं वेब डेवलपमेंट, एक्शन हमें कुछ नहीं देना, और पेरेंट आईडी मैं देता हूँ 3, जो कि है ओके कैटेगरीज, परफेक्ट। एंड सेम नीचे यहाँ पे नेम देते हैं ग्राफिक डिजाइन, सब मेन्यू आईडी देते हैं, तुम्हें पता है ना हम सब मेनू आईडी कहाँ से दे रहे हैं, हम उस मेनू आईडी हम वहां से दे रहे हैं जो हमने मेनू के अंदर मेनूज बनाए हैं अलग अलग, उनको हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हैशटैग एक और ऐड कर लेते हैं, 3 रखते हैं सब मेनू के अंदर, तो ओके यहाँ पे मैं रखता हूँ यूजर इंटरफेस एक्शन, आई नो ये मत, मुझे मैंने जान उसे नहीं लिखा है, वो बस टू क्रोम बटन लिखा है, ठीक है, यूजर इंटरफेस एंड गो, व्हाट डिड आई डिड समथिंग रॉन्ग, ब्राउज पेरेंट मेनू आईडी 3 3, ओके I didn't put anything there, that's 3। तो हम मेनू में देखते हैं, तो मेनू में पेरेंट मेनू आईडी किसकी 3 है, इसकी, तो ये सारे सब मेनू इसके हो गए, है ना, तो चलो ठीक है, तो इतना हमने करवा लिया। अब देखो हम कैसे पहले चेक करेंगे कि क्या इस चीज का कोई सब मेनू है कि नहीं, तो हम एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं,
है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट सब मेनू, ठीक है। यहाँ पे हम दो चीज पास करेंगे, पहला डीबी एंड दूसरा हम पास करेंगे मेनू आईडी, ओके। एंड हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेरी बनाते हैं, क्वेरी एक्चुअली मैं ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से ही कुछ मत करना, मैं ऊपर कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। और यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इमेजेस की जगह लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सब मेनू वेयर पेरेंट मेनू आईडी इज मेनू आईडी एंड सेव इट, यहाँ पे आते हैं पेरेंट मेनू आईडी, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। तो हमने अब एक फंक्शन बना लिया जो कि हमें क्या करेगा, हम इसमें आईडी मेनू की आईडी पास करेंगे तो हमें रिटर्न करेगा डॉलर डेटा, मतलब सब मेनू की डिटेल हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं वापस से नेव बार पे, ठीक है। और अब तुम देखो ये इस बात पे मत कंफ्यूज होना कि हमने यहाँ पे तो ऊपर डेटाबेस डेटाबेस कुछ भी नहीं इंक्लूड किया है, फिर भी क्वेरी कैसे चल रही है। तो बेसिकली देखो ये फाइल यहाँ पे नहीं है टेक्निकली, ये फाइल इंडेक्स डॉट पी एच पी और पोस्ट डॉट पी एच पी पे है और दोनों के टॉप पे हमने डेटाबेस को इंक्लूड कर रखा है, तो दैट्स वाई रन हो रहा है, ठीक है। तो ये ओके, तो हमारे पास होम कॉन्टेक्ट अस एंड कैटेगरी शो हो रहा है, बट अब ये ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम नहीं है, ड्रॉप डाउन सिर्फ इसमें हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें किसमें ड्रॉप डाउन दिखाना है किसमें नहीं दिखाना है, तो इसके लिए हम गेट कर सकते हैं उनके नंबर्स रोज के, मतलब सब मेन्यूज के। तो सब मेन्यू के नंबर कैसे गेट करेंगे, आई मीन मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो फंक्शन बनाया उसको मैं कॉल करता हूँ एनओ, ठीक है, एंड मैं इसमें कॉल करता हूँ गेट सब मेन्यू, मैं यहाँ पे पास करूंगा डीबी, देन मैं पास करूंगा मेनू का आईडी, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे देता हूँ काउंट, ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पे इसके आगे कंकैटिनेट कर लेता हूँ डॉलर नंबर, लेट मी चेक, ओके दैट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं गेट सब मेनू नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम दो चीजें पास करेंगे डीबी मेनू, और हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा, इसको हटाते हैं, हमें पे रिटर्न करेगा माई एस क्यू एल आई नम रोज, इसके अंदर हम पास करेंगे डॉलर, ठीक है। तब हमें रिटर्न करेगा नंबर, ठीक है। तो हम इंडेक्स डॉट पी एच पी पे आते हैं, तो नया बार डॉट पी एच पी पे आते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम ये कॉल, इसके अंदर हम कॉल कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ काउंट मशीन पे, यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, ओके लेट मी चेक, ओके इट्स स्टिल नॉट हैपनिंग, व्हाई व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, बिकॉज़ वी डोंट इंक्लूडेड द फंक्शन और समथिंग एल्स, लेट इंक्लूड द फंक्शन फाइल, मे बी दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट, या मे बी ओके। सो एज यू कैन सी दैट ये इंक्लूड नहीं कर रखा था हमने, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम थी। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी इंक्लूड किया, तो वैसे तो 003 लिखा रहा है, ये सब कैटेगरीज के नंबर दिख रहे हैं, तो कैटेगरीज के अंदर हमने 3 सब कैटेगरीज ऐड किए थे, दैट्स यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इससे पता लग रहा है कि कौन कैटेगरीज है और कौन सब कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। तो चलो हम नीचे आते हैं, हमें ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम कर लेते हैं कुछ, जैसे कि
अगर हमारे पास, हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर डॉलर नंबर जीरो है, ठीक है, मतलब डॉलर नंबर जीरो है का मतलब फॉल्स है, इसमें आप उल्टा कर लेता हूँ, मतलब देखो डॉलर नंबर में अगर जीरो हो तो जीरो फॉल्स होता है, फॉल्स को हमने उल्टा कर दिया ट्रू, तो अगर फॉल्स होगा तो हम यहाँ पर ट्रू कंडीशन पास करेंगे और वहां पर हम प्रिंट करेंगे इस चीज को, ठीक है, इस चीज को हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओके। तो ठीक है, सो आई रिफ्रेश इट एंड एज यू कैन सी दैट होम कॉन्टेक्ट अस एंड लिंक इज नॉट लुकिंग, गॉट लिंक तो हमने अभी एल्स का स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इफ होने पे ये चीज चले एंड एल्स होने पे क्या चले, क्योंकि अगर एल्स तब चलेगा जब सब मेनू में जीरो से ज्यादा चीजें होंगी, मतलब सब मेनू होगा एग्जिस्ट करता होगा उसका सब मेनू, तब हम ये वाली चीज चलाएंगे, ये जो ड्रॉप डाउन टाइप लुक है इसको, तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ एंड देन मैं इसको एल्स में पेस्ट कर देता हूँ, ओके, देन आई रिफ्रेश इट, तब तुम देखो यहाँ पे लिंक शो हो रहा है, समथिंग रॉन्ग, नो, ठीक है, मैं बाकी नीचे की लिंक्स को हटा लेता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दैट, राइट, इनको हटा लेता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम चीजें चेंज कर देते हैं, आई मीन लाइक सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ लाइक हाँ यहाँ पे मैं देता हूँ मेनू, ठीक है, और हमें एक्शन भी प्रोवाइड कराना होगा सभी को, जाहिर सी बात है, तो मैं एक्शन भी दे देता हूँ उसे, एक्शन सेम चीज ऊपर कर रखी मैं, ठीक है, परफेक्ट। रिफ्रेश करता हूँ तुम आप देखोगे होम कॉन्टैक्टर्स एंड कैटेगरीज का ऑप्शन है, बट कैटेगरीज के अंदर वो चीजें नहीं दिख रही जो हमें दिखनी चाहिए जो कि है सब मेनू, तो हम सबसे पहले तो सब मेनू को गेट करेंगे, तुम्हें याद हो हमने फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे गेट सब मेनू करके, तो अब क्योंकि हमने फंक्शन को इस पेज पे इंक्लूड कर लिया, दैट्स व्हाई हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो चलो हम कर लेते हैं, ठीक है, लेट मी चेक ऑन समथिंग लिटिल बिट, टॉप, तो देखो यहाँ पे वो इसलिए नहीं चला था, तुम देख सकते हो फंक्शन फाइल को इंक्लूड नहीं कर रखा है, ठीक है, तो इसलिए, तो अगर तुम यहाँ से ये जो navbar.php है इसके टॉप में जाओ, है ना, और यहाँ से इस फंक्शन को यहाँ से काट के इंडेक्स में आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो लाइक दिस, तो भी ये वर्क करेगा, ओके, आई डिडंट सेव दैट, रिफ्रेश, ठीक है, तुम देख सकते हो अभी भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इंडेक्स, अब मैं वापस से navbar.php पे आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हम उस फंक्शन को यूज करेंगे जो हमने क्रिएट किया है सब मेनू को गेट करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बस हमें मेनू की आईडी चाहिए, मेन मेनू की, पेरेंट मेनू की आईडी चाहिए, ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं, अब इसके अंदर हम आएंगे मेनू, तो जाहिर सी बात है सब मेनू, अब सब मेनू आएगा तो इसके अंदर कुछ होगा, और हमें लूप में कैसे लाना है, लूप में हमें इनमें से किसी एक को चलाना है, तो मैं दो को हटा लेता हूँ, मैं एक को लूप में चलाऊंगा, तो मैं यहाँ पे php start एंड php end करता हूँ, मैं यहाँ पे सब मेनूज करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि है गेट सब मेनू, इसके अंदर पास करता हूँ डेटाबेस एंड देन मेनू आईडी, ओके, एंड देन मैं फॉर ईच फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फॉर ईच डॉलर सब मेनूज एज एसएन, और यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
हमें यहाँ पे सिंपली इसका नेम प्रिंट करवाना है एंड एक्शन प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे एसएम का नेम प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे एक्शन भी इसका प्रिंट करवा लेता हूँ, परफेक्ट। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन लेट मी चेक। तुम देख सकते हो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट ग्राफिक डिजाइन एंड यूजर इंटरफेस शो हो रहा है, और सबमिट पे क्लिक करने पर भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने लिंक नहीं दे रखा है इनको। तो हमने यहाँ पे परफेक्टली क्रिएट कर दिया, ठीक है। मान लो मैं कॉन्टैक्ट के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सब मेनू ऐड कर देता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, जब देख लेते हैं क्या ये वर्क करेगा। तो कॉन्टैक्ट का जो आई डी है पेरेंट वो टू है, टू लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ टेस्ट सब मेनू, ठीक है। एक्शन लिख देता हूँ लेट्स इंडेक्स डॉट पी एच पी, एंड मैं गो कर देता हूँ। तो तुम देखोगे हमने पेरेंट आई डी टू पे, पेरेंट आई डी टू पे हमने एक सब मेनू ऐड कर दिया। लेट चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तुम देखोगे आप कॉन्टैक्टर्स के आगे भी एरो लग गया है, और कॉन्टैक्टर्स के अंदर टेस्ट सब मेनू मैसेज भी करो तो इंडेक्स डॉट पी एच पी रिडायरेक्ट होगा, परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो क्योंकि कॉन्टैक्ट पे अच्छा लगा तो मैं इसे रिडायरेक्ट कर देता हूँ। ओके परफेक्ट। तो अभी जो वाइट लुक है, मुझे वाइट लुक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नॉर्मल दिखे ग्रे कलर में। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, ऊपर जाता हूँ, मैं देख सकता हूँ नैब लिंक लिखा हुआ है, इसके आगे एक्टिव लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ, या आप ठीक है मैं होगा करूँगा तो थोड़ा लाइट दिखेगा, एंड देन बस परफेक्ट। तो तुम देख सकते हो हमने यहाँ पे डायनेमिकली मेनू को बना लिया है। जो नैब स्क्रॉल है मैं इसको जरा एक मिनट चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। नैब बार स्क्रॉल माय ब्लॉग, ओके एंड रिफ्रेश इट, परफेक्ट। माय ब्लॉग होम कॉन्टैक्ट अस एंड कैटेगरीज, यहाँ पर हमें हमने डायनेमिकली मेनू को बना लिया। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि हम शेयर दिस पोस्ट बटन को फंक्शन देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे शेयर दिस पोस्ट के लिए मैं एक चीज यूज करने वाला हूँ, मैं लोगों पे सर्च करता हूँ एड शेयर बटन टू द वेबसाइट। हम यहाँ पे जुगाड़ यूज करेंगे, मतलब देखो हर चीज कोड करने की जरूरत नहीं है। तुम शेयर बटन जब बना बनाया बहुत बढ़िया है, तो तुम क्यों कोड करके बोला, कोड क्यों करना तुम्हें। तो सिंपली एड दिस डॉट कॉम पे जाना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें अपना अकाउंट बना लेना है। मैं जल्दी से यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेता हूँ। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे ये पूछा हमें किस टाइप का बटन चाहिए, तो यहाँ पे अब हमें चाहिए शेयर बटन्स, ठीक है। अब हमें ये पूछेगा बटन किस तरीके, ये फ्लोटिंग बटन है, ये इनलाइन बटन है, तो हमें ये इनलाइन बटन चाहिए, ठीक है। ऐसे बात मैं तो इनलाइन बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, देन स्मार्ट सॉर्टिंग बाय एड दिस सिलेक्टेड बाय यू, हम कहाँ कहाँ शेयर करना चाहते हैं ये हमसे पूछ रहे हैं। तो फेसबुक ट्विटर ईमेल पिंटरेस्ट हमें लाइक, और कहाँ कहाँ शेयर करने के ऑप्शन आए तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम इसके डिफॉल्ट से ही चलते हैं, हमें अभी इतनी चीजें चल रही है बहुत है, ठीक है। तो अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे इसने पहला स्टेप पहला जस्ट कॉपी द कोड स्निपेट राइट टू योर क्लिपबोर्ड, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इतने को कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको हमें क्या ऐड करना है, पेस्ट द अबव कोड राइट अबव द क्लोजिंग बॉडी ऑफ द एचटीएमएल लिंक, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है इसको, मैं पोस्ट डॉट पी एच पी पे आता हूँ कि हमें यही करवाना है इसे, एंड बॉडी क्लोजिंग टैग के ठीक ऊपर हमें इसे पोस्ट करना, मैं पोस्ट कर लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। एंड देन इसने बोला है इफ यू लाइक टू एक्टिवेट एन इनलाइन टूल और पिक्चर ऐड दिस ओरिजिनल कोड विद इन द बॉडी ऑफ अ पेज, कॉपी एंड पेस्ट द कोड टू प्लेसेस, ठीक है। तो मुझे बस ये चीज डी आई वी पेस्ट करनी है पेज में कहीं भी जहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो लेट मी शेयर बटन जहाँ पर हमें लिखा है वहाँ पर हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ
लेट मी चेक, शेयर दिस बटन, ये रहा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं कि ये वर्क कर रही है, लेट रिफ्रेश इट, परफेक्ट। तो तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, ईमेल, पिंटरेस्ट, मोर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये परफेक्टली सारे बटन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिंक्डइन एंड मोर 81 and 81 एंड परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे शेयर का तो बटन ऐड कर लिया, शेयर का फंक्शनैलिटी ऐड कर ली। अब हम कमेंट ऑन दिस पे क्लिक करेंगे तो हमें चाहिए कि कमेंट करने के लिए मैं चाहता हूँ पॉपअप बॉक्स खुल जाए जहाँ पे मैं कमेंट कर सकूँ और वो डेटाबेस में जाकर स्टोर करें। तो सबसे पहले तो हम डेटाबेस बना लेते हैं कमेंट का, तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ, ठीक है, एंड इस टेबल को मैं नाम देता हूँ कॉमेंट्स, एंड देन यहाँ पे मैं आईडी बना लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे कॉमेंट लिख देता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, जो बंदा कॉमेंट कर रहा है उसकी नेम सही है नाम है, ठीक है, तो ठीक है मैं यहाँ पे जाता हूँ, कमेंट को मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, नेम को देता हूँ मैं वॉर कैरेक्टर, एंड देन इसको मैं साइज देता हूँ 200 की, और जो आईडी है उसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट में रखता हूँ, एंड देन सेव, एंटर वैलिड लेंथ, व्हाट आई एंटर अ वैलिड लेंथ, व्हाट हैपेंस, तो हमारे यहाँ पे कमेंट्स टेबल क्रिएट हो चुका है, आईडी कमेंट कमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस कमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं एक्चुअली यहाँ पे, फिर हम इंसर्ट करने वाला फंक्शनैलिटी बना देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ रैंडम कमेंट, दिस इज ऑसम ऑसम आर्टिकल नेम मोनो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट कर लिया, बट अभी देखोगे तुम अगर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कमेंट किस पोस्ट के लिए, तो हम यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर में जाएंगे और हम इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे, मैं इसको ब्राउज में जाता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं इसके स्ट्रक्चर में जाता हूँ, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक और नेम के बाद ऐड कर लेता हूँ पोस्ट आईडी किस पोस्ट के लिए, ठीक है, इसको एंटर देते हैं, सेव इट, तो ये पोस्ट पोस्ट आईडी 0 है, मैं पोस्ट आईडी दे देता हूँ 21, पोस्ट आईडी 21 के लिए कमेंट है, ठीक है। तो चलो हम पोस्ट 21 खुला ही हुआ है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिससे हम कमेंट को गेट कर सकें, ठीक है, तो सेम उसी की तरह होने वाला, जो हमने मल्टीपल इमेजेस को गेट करने का फंक्शन बनाया था, तो मैं इसको यहाँ पे पहले तो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन गेट कॉमेंट्स, ठीक है, सबसे पहले हम पास करेंगे डीबी, देन हम पास करेंगे पोस्ट आईडी, ओके, और अंदर का माल पानी सब सेम रहेगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बस यहाँ पे चीजें हम लिखेंगे कॉमेंट्स वेयर पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी है ना, पोस्ट आईडी इज इक्वल टू पोस्ट आईडी, परफेक्ट, सब चीजें ठीक है, बहुत ठीक, ठीक है। अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं, अब बेसिकली हम कहाँ कहाँ प्रिंट करवा सकते हैं कमेंट को, कमेंट को प्रिंट करने में बहुत जगह है, मतलब नीचे तो नहीं करवा सकते क्योंकि नीचे हम रिलेटेड पोस्ट दिखा रहे हैं, तो हम कहाँ कमेंट को प्रिंट करें, तो बगल में तुम देखोगे साइड पर लगा रखा है, तो इन्हीं में से किसी एक में कमेंट को हम प्रिंट करवा देते हैं, तो मैं सबसे नीचे वाले में प्रिंट करवाऊंगा कमेंट को, ठीक है, तो चलो सबसे नीचे वाले में कमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं, पोस्ट डॉट पी एच पी, ठीक है, ये नेवा डॉट पी एच पी में, नेवा डॉट पी एच पी में देखोगे तो बॉक्सेस हैं ये सारे, और नेवा बोलो साइड बार डॉट पी एच पी में हम आते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तीन तीन बॉक्सेस हैं, मैं तीनों को जरा मिनिमाइज कर लूँ, हमारा पहला बॉक्स, ठीक है, ये हमारा दूसरा बॉक्स और ये हमारा तीसरा बॉक्स। अब देखो तीसरा बॉक्स मैं कब चाहता हूँ, मुझे कब दिखे तीसरा बॉक्स, मैं चाहता हूँ मुझे तब दिखे जब मैं, या हम सबसे ऊपर ही रखते हैं कमेंट्स को, ठीक है, या नीचे रखते हैं, आई डोंट नो, सबसे नीचे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इफ अगर इस सेट हो क्या डॉलर गेट आईडी सेट हो रखी हो तो दिखे ये चीज,
इफ इज सेट डॉलर गेट आईडी इज सेट देन इसके अंदर की चीजें चले ठीक है। अब मैं इसको जरा यहां से ठीक है परफेक्ट मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं एंड यहां पे आके पेस्ट कर देता हूं सिंपल ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं फीचर की जगह कमेंट्स सेव करता हूं एंड देन रिफ्रेश करता हूं तो तुम देखोगे तीसरा सेक्शन ये कमेंट्स का हो चुका है ठीक है। ऊपर दोनों को हाइड कर देता हूं क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है, है ना, तो मैं इन दोनों को हाइड कर देता हूं ये मतलब मैं जगह नहीं रखते हैं जब हम कुछ हमें नीड होगी तो हम वापस इनको कमेंट कर लेंगे ठीक है। मैं इनको हाइड कर देता हूं देन आई रिफ्रेश इट तो तुम देखो यहां पे कमेंट्स करके दिख रहा है, मैं चाहता हूं नीचे कमेंट्स दिखे मेरे ठीक है। तो चलो हम कमेंट दिखा देते हैं नीचे ओके कमेंट्स। तो अब हम कमेंट्स को गेट करेंगे पहले ओके तो हम यहां पे लूप बनाते हैं पीएचपी स्टार्टिंग पीएचपी एंड यहां पे मैं गेट करूंगा सबसे पहले उनको तो मैं यहां पे देता हूं कमेंट्स कमेंट्स मैं यहां पे फंक्शन का कॉल करूंगा गेट कमेंट्स और यहां पे मैं पास करूंगा डीबी एंड दूसरा मैं पास करूंगा क्या था पोस्ट आईडी क्योंकि हमें टॉप से मिल रहा है ना। लेट मी चेक या ओके तो अब हम यहां पे क्या करते हैं फॉर ईच डॉलर कमेंट्स एज डॉलर कमेंट पीएचपी तो हम यहाँ पे इस चीज को सिंपल रखेंगे एकदम। तो उसके वास्ते में क्या करते हैं हम यहाँ पे इसे कट करते हैं देन इसके अंदर पेस्ट करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं। तुम देखो यहाँ पे हमें एक मिल, हम एक और कमेंट ऐड कर लेते हैं ठीक है ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए चीज कैसे काम करे ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस आई लाइक दिस पोस्ट ठीक है, नेम लिख देता हूँ मैं सुनिधि चौहान आई डोंट नो हू इज शी 21 एंड देन गो ओके देन आई रिफ्रेश इट। तुम यहाँ देखो दो बॉक्सेस बने आ रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है। तो चलो अब हम इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो जो H5 है मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे दिखे कमेंट करने वाले का नाम ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डॉलर कमेंट नेम ठीक है नेम ही है ना नेम ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे दिखे कमेंट करने वाले का कमेंट ठीक है। मैं ब्लॉग पे आता हूँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मुझे नेम नहीं दिख रहा है। नेम क्यों नहीं दिख रहा भाई did something wrong comment 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 name post id सुनिधि चौहान नेम ठीक है what okay मैंने यहाँ पे equal to sign लगाया sorry my bad then I refresh it okay then अब हमारे पास यहाँ पे comments आ रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया। तो मैं इसमें डेट भी ऐड कर सकता हूँ एक्चुअली बट मैं अभी डेट को रहे तो डेट ऐड कर देते हैं एक्चुअली ठीक है डेट कूल लगेगा थोड़ा। लेट मी चेंज स्ट्रक्चर अगेन एंड मैं आपका पोस्ट आईडी यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटेड एट और यहाँ पे टाइम स्टैम्प एंड देन डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प एंड देन सेव इट ठीक है। मैं ब्राउज पे आता हूँ और यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प अब दिख रहा है ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे गेट कर लेते हैं कहाँ पे हम दिखाएं हम चाहते हैं कि इसको हम दिखाएं नेम के आगे
created at. Simple, I just refresh it. Okay, so like that. मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और बढ़िया तरीके से दिखे, तो मैं क्या करूँ, हमने जो बना रखा है टाइम दिखाने के लिए एक फंक्शन, एक एक हमने छोटा सा कोड ऑफ लाइन लिखा था जिससे कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में टाइम हमें दिखा था, जो कि ये रहा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ साइड बार पे एंड देन आई लाइक पोस्ट देयर पोस्ट। ठीक है, मैं इसको पोस्ट की जगह लिख देता हूँ कॉमेंट, रिफ्रेश इट। ओके, तो फरवरी 21, 2021। ठीक है, बट मैं ये चीज़ बहुत बड़ी आ रही है, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को थोड़ा स्मॉल करना, तो मैं स्मॉल कीवर्ड का यूज़ कर लेता हूँ, स्मॉल, सेव इट एंड देन रिफ्रेश इट। तो यार इट्स परफेक्ट, इट्स स्मॉल बट इट्स नॉट लाइक परफेक्ट थिंग, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ स्मॉल को, मैं एक्चुअली इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं जिसको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से कट करता हूँ एंड देन मैं इसको लिटरली इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ मार्जिन बॉटम 0, रिफ्रेश। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल, या अगर यार मैं इसको स्पैन में डाल देता हूँ, कि मैं यहाँ पे क्या देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी देन आई रिफ्रेश इट, तो इसका कलर ब्लू हो गया, ब्लू नहीं मैं चाहता हूँ सेकेंडरी, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेट है और नीचे कमेंट है, कमेंट थोड़ा छोटा दिखने पर I think it's still fine, right? तुम इसको थोड़ा modify कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है? तो क्या हो गया? मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। We don't need that button, right? तो हम बस ये चाहिए। Okay, तो now I think it's perfect. ठीक है, तब यहाँ पे हमें comments दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और चीज कर देते हैं कि जैसे कि हम इसको काम करते हैं, अगर इफ काउंट जो है डॉलर कमेंट्स का लेस देन है 1 से, तो हम यहाँ पे इको करवा लेंगे, क्या हम यहाँ पे इको करवा लेंगे, क्या इको करवा, हम यहाँ पे इको करवा लेते हैं नो कमेंट्स, परफेक्ट। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हम किसी और पोस्ट को खोल के देखते हैं, जस्ट लाइक like back chow then open this, यहाँ तुम जैसे तो no comments बताते, बड़ा अजीब तरीके से दिख रहे हैं, ऐसे नहीं चाहते हम, तो थोड़ा तमीज से दिखाएंगे। तो मैं इस p को यहाँ से copy करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कट आप लिख देता हूँ no comments, रिफ्रेश इट। व्हाट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, ओह या बिकॉज़ आई एम नॉट इनसाइड द लूप, दैट्स नॉट, तो मैं इस चीज को यहां से आई हैव टू लाइक क्रिएट अ कार्ड बॉडी नाउ, मैं इंग्लिश क्यों बोलने लगता, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। div start and div end, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ
कार्ड बॉडी सिंपल, देन आई रिफ्रेश इट। ओके नाउ इट्स लुक बेटर, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। Strap to like center the text. Okay, perfect. तो कमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे नो कमेंट्स लिखा है, ठीक है। तो हम पोस्ट नंबर 21 को जरा खोल के देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप दो कमेंट्स दिख रहे हैं परफेक्टली, बट अभी हमने कमेंट करने वाला फीचर ऐड नहीं किया है। कमेंट ऑन दिस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पॉपअप बॉक्स में जहाँ से हम कमेंट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूँ कि यहाँ पे जो हम ये रिलेटेड पोस्ट दिखा रहे हैं, तुम देख सकते हो हम इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे, जो कि गलत बात है, हमें यहाँ पे क्लिकेबल चीज चाहिए। तो मैं इसको जरा फिक्स कर लेता हूँ थोड़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे पोस्ट डॉट पी एच पी पे नीचे जाएंगे, ठीक है। एंड वी हैव टू लाइक क्रिएट सम लिंक्स विथ दैट, ठीक है। तो ये रहा कार्ड, यहाँ पे ए एच आर ई एफ लिखता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसको यहाँ पे एंड करूँगा, यहाँ पे एंड कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे आने के पोस्ट और पीएचपी पे ही जाने के लिए विथ द आईडी डॉलर आर पोस्ट आईडी, ठीक है। बट वही होगा कि कलर चेंज जाएगा फिर से, तो मैं इसके लिए यहाँ पे कर देता हूँ जुगाड़, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ए यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड कलर इज लाइक ब्लैक सिंपल। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे क्या, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं तो ये उस पोस्ट को खोल रहा है परफेक्टली, है ना, दैट्स नाइस। तो अब इससे रिलेटेड पोस्ट यहाँ दिखेगा, पोस्ट 21, ठीक है। तो या इट्स वर्क फाइन, इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो हमने ये चीज फिक्स कर ली तुरंत। अब हमें बेसिकली एक ही चीज रह रही है यहाँ पे, वो है कि कमेंट ऑन दिस, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कमेंट हो, यही चीज एक रह रही है। तो मैं इस चीज को भी यहाँ पे इम्प्रूव कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप की साइट पे जाएंगे, क्योंकि हमें उसके लिए एक मोड डाल। मॉडल क्या होता है, अगर तुम्हें बूटस्ट्रैप आता है तुम्हें पता हो क्या होता है, बट नहीं आता तो बेसिकली पॉपअप बॉक्स होता है, ठीक है, जो तुम्हारे स्क्रीन पे पॉपअप होता है जब तुम क्लिक करते हो, तब तो मतलब उसको अलग अलग इवेंट पे पॉपअप करवा सकते हो, समझ लो। बट मैं यहाँ पे एक मॉडल सर्च करता हूँ एंड देन आई एम लाइक ओपनिंग अ मॉडल, और यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है, लॉन्च डेमो मॉडल, या हमें कुछ ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने पोस्ट डॉट पी एच पी में आते हैं, यहाँ पे कमेंट का बटन बटन है ये रहा, कैप देता हूँ और यहाँ पे इसको चीज को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लॉक कर रहा था, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हम यहाँ पे बटन दिखा, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पॉपअप खुल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं चीज को थोड़ा और सुधार देता हूँ, कैसे, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस कमेंट ऑन दिस बटन से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो यहाँ पे मोडल 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 टॉगल, तो मैं इस बटन को यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पे लाके प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कमेंट ऑन दिस परफेक्ट, एंड देन आई रिफ्रेश इट। मैं कमेंट ऑन दिस पे जब जब कमेंट ऑन दिस पे क्लिक करूंगा तो मोडल बॉक्स खुल रहा है परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मोडल टाइटल क्या देना चाहता हूँ, मोडल टाइटल में देना चाहता हूँ एड योर कमेंट टू दिस पोस्ट, ये सिर्फ ऐड योर कमेंट रहने देते हैं, ठीक है, ऐड योर कमेंट, ठीक है।
एंड यहाँ पे देता हूँ कमेंट, ऐड कमेंट और क्लोज। ठीक है, तो एक्चुअली मैं क्लोज बटन को हटाया था, हमें नहीं चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, कमेंट ऑन दिस, कमेंट ऑन दिस, ठीक है, ऐड कमेंट एंड क्लोज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब हमें इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना है जहां पे हम यूजर से नेम और कमेंट को लेंगे ताकि यहाँ पे कमेंट करवा सके। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं फॉर्म। तुम क्रिएट कर सकते हो खुद से भी, बट हम जब बूटस्ट्रैप पूरा बना ही रहे हैं तो क्यों ना बूटस्ट्रैप को अच्छे से यूज करें। तुम देख सकते हो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दे रहा है, इट्स लाइक परफेक्ट। ठीक है, तो हम ये ईमेल आईडी और पासवर्ड वाले उठा लेते हैं। ठीक है, वी कॉपी दिस, हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब हम कमेंट ऑन दिस पे क्लिक करते हैं, तुम देखो यहाँ पे हमें एक फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम इस फॉर्म को थोड़ा बदलेंगे क्योंकि तो फॉर्म बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से दिख रहे हैं। बाय सुरक्षा, अच्छा हमने इसे मोडल फुटर में पेस्ट किया था, माय बैड। ठीक है, नाउ वी रिफ्रेश इट, कमेंट ऑन दिस। ठीक है, अब ये परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ऐड कमेंट को यहाँ से, हमें अब इस बटन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मतलब फॉर्म के अंदर ही हमारा एक बटन है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट की जगह मैं लिख देता हूँ ऐड कमेंट। ठीक है, एंड हमें यहाँ पे चेक मी आउट का बटन नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दैट, तो मैं चेक मी आउट को यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ पे टाइप दे रखा है पासवर्ड, मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं आपको लिखता हूँ टेक्स्ट। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे ऊपर नेम चाहिए होगा हमें, तो हटाते हैं यहाँ से, देन इनपुट टाइप नेम लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक रिफ्रेश इट, कमेंट ऑन दिस, ठीक है, नेम एंड कमेंट एंड ऐड कमेंट, परफेक्ट। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। तो अब हम इस चीज को जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये सच में काम कर रहा है। फॉर्म तो मतलब काम कर रहा है, हम इसमें से डेटा इंसर्ट करेंगे फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो चलो हम इस चीज को कर लेते हैं, कमेंट ऐड कमेंट पीएचपी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसके कहाँ ले जाएंगे, हम यहाँ पे एक्शन डालते हैं इस पे। वेयर इज कहाँ गया, फॉर्म स्टार्ट, मेरा यहाँ पे हम एक्शन डालते हैं इंक्लूड्स एड कमेंट डॉट पीएचपी। ठीक है, एंड दैट्स इट, और आप हम मेथड डाल देते हैं पोस्ट। ठीक है, हम इनको नेम भी दे देते हैं, लाइक नेम एंड ये कमेंट को हम नेम दे देते हैं नेम कमेंट। ठीक है, एंड ऐड कमेंट को भी हम नेम दे देते हैं नेम ऐड कमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंक्लूड्स में जाते हैं, हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं ऐड कमेंट डॉट पीएचपी। मैं पीएचपी स्टार्ट करता हूँ
PHP एंड करता हूँ, और मैं अगर प्रिंट आउट करवा देता हूँ किसको, डॉलर पोस्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं कमेंट ऑन दिस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे देखो सुन आ गई राणा, आई लाइक दिस पोस्ट सो मच, ठीक है। देन ऐड कमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ऐड कमेंट और पेज पे आया, एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑनलाइन टू, ओ सॉरी प्रिंट लिखा है सिर्फ, माय बैड। प्रिंट आउट करता हूँ एंड देन आई रिफ्रेश इट, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हें नेम और कमेंट आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इस सेट क्या सेट हो रखा होगा, डॉलर पोस्ट, डॉलर पोस्ट एड कमेंट सेट हो रखा हो तो ये चीज प्रिंट हो, मतलब काम करे, ठीक है। और अगर सेट हो रखा है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा माई स्क्रिप्ट, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डेटाबेस चाहिए होगा क्योंकि हम फिल्टर करेंगे। मान लो यहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होता है कि यहाँ पे अभी तुम सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग पास करो इसलिए नॉर्मली रिसीव करके डेटाबेस में डाल देगा, बट अगर तुम इसमें जैसे सेमी कॉलम है ना, या ये मतलब ऐसे साइन यूज करोगे जैसे कि ये हो गया, चाहे डॉलर साइन हो गया, चाहे परसेंट हो गया, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है, एरर शो करेगा ये। तो इसके लिए वास्ते हम यहाँ पे इसको फिल्टर करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए डेटाबेस, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिंक करेंगे पहले रिक्वायर db.php। मैं यहाँ पे सिर्फ db से लिख रहा हूँ सेम डायरेक्टरी में अंदर से। माय एसक्यूएल आई रियल एस्केप स्ट्रिंग, और यहाँ पे पहली चीज हम पास करेंगे db मतलब डेटाबेस, एंड दूसरी चीज हम पास करेंगे वो वेरिएबल जो कि है पोस्ट, पोस्ट नेम, ठीक है। मैं सेम कॉपी करके कमेंट के लिए बना देता हूँ चीज कमेंट। अब ये चीज करना क्यों जरूरी है तुम्हें नहीं पता, यूजर यूजर को तुम चूतिया मान के चलो, वो कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ भी डालेगा, एट द रेट डालेगा, हैश टैग डालेगा, चाहे तो ये डालेगा, कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी रखते हैं कि डेटाबेस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे पास नेम आ गया, हमारे पास कॉमेंट आ गया, तो फिर क्वेरी चलाऊंगा, क्वेरी इंसर्ट इनटू कमेंट्स। ओ, हमने तो डेटाबेस क्या बोलते हैं पोस्ट आईडी तो गेट ही नहीं की, ठीक है, पोस्ट आईडी भी गेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम पोस्ट आईडी गेट कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट आईडी, ठीक है, पोस्ट आईडी परफेक्ट। इंसर्ट इन कमेंट्स, कमेंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले है कमेंट, दूसरे में नेम, देन है पोस्ट आईडी, वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हम पास कर लेते हैं। सबसे पहले डॉलर कमेंट एंड देन हम पास कर लेते हैं डॉलर नेम, देन हम लास्टली पास कर लेते हैं पोस्ट आईडी। अब हम इसको रन कराते हैं, कंडीशन आता है माई एसक्यूएल आई क्वेरी डीबी क्वेरी तो क्या हो, इको हो स्क्रिप्ट, ये हेडर फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। हेडर पोस्ट डॉट पीएचपी ब्रैकेट में आईडी, हमें वो आईडी पास करनी भी नहीं क्योंकि डॉलर पोस्ट आईडी, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज वर्क करनी चाहिए, और नहीं तो हम यहाँ पे एल्स लिख देंगे कमेंट इज नॉट ओके, ठीक है। तो लेट मी चेक, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमने जो
पोस्ट डॉट पी एच पी में मोडाल बना है, इसके अंदर हमें एक और इनपुट टाइप बनाना होगा जिसको हम हाइड रखेंगे, हिडन रखेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं इनपुट टाइप, अब यहाँ पे हम हिडन दे देंगे तो बेसिकली फॉर्म में नहीं दिखेगा बट इसके साथ जो वैल्यू पास करेंगे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ पोस्ट आईडी, मैं वैल्यू देता हूँ ओके पोस्ट आईडी। चलो हम इसे जरा बैक करते हैं, मैं इसको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कमेंट ऑन दिस सोनाली राणा लिखता हूँ, दिस इज अ टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट कमेंट, ऐड कमेंट, कमेंट इज नॉट एडेड, ओके व्हाई इज दैट, लेट मी चेक। ऐड कमेंट पर हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट आर करवा लेते हैं, यहाँ पर डॉलर पोस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, चेक करने के क्या डेटा आ क्या रहा है। तो नेम आ रहा है, आईडी भी आ रही है, ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। ओके कमेंट इंसर्ट माय स्क्वेर आईडी भी पोस्ट आईडी, ओके इसको हमें स्केप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी मे बी ओके ओके वैल्यूज में, ओके वैल्यू की स्पेलिंग गलत लिखी मैंने, बहुत बढ़िया वैल्यूज, ओके ओके हम रिराइट करवा रहे हैं इंक्लूड में, हमें इंक्लूड में नहीं कराना ना, हमें एक पेज पीछे ही कराना, क्योंकि ये पेज के बाहर की चीज है। ठीक है तो तुम्हें हम देखोगे सोनाली राणा का कमेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है, मैं एक्चुअली इसको उल्टा कर देता हूँ ताकि जो लेटेस्ट कमेंट हो वो हमें सबसे टॉप में दिखे। तो मैं यहाँ पे नेवबार कहाँ गया, फंक्शंस के अंदर हमने बनाया था, तो मैं फंक्शन में आता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे गेट कमेंट्स गेट अप ऑर्डर बाय आईडी डी एस सी परफेक्ट, मैंने रिफ्रेश इट, ओके सोनाली राणा ऊपर दिखा है, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड कमेंट के अंदर से मैं ये पोस्ट को हटा देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड दैट, है ना। तो अब चलो हम यहाँ पे किसी और पोस्ट पे कमेंट ऐड कर देखते हैं जहाँ पे कमेंट नहीं है, ठीक है, इस पे देखते हैं, नो कमेंट दिख रहा है अभी। मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ लाइक मोनू गिरी, मैं देखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट कमेंट ऑन दिस पोस्ट, ऐड कमेंट, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया, दिस इज माई फर्स्ट कमेंट ऑन दिस पोस्ट, परफेक्टली हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब इतने सिंपल तरीके से हमने कर लिया इस चीज को, तो हमने कमेंट ऐड कर लिया, हमने रिलेटेड पोस्ट को लिंक बना दिया, हमने यहाँ पे शेयर बटन लगा दिया, हमने कमेंट ऑन दिस को बटन यहाँ पे लगा दिया, तो हम पोस्ट पे कमेंट भी कर पा रहे हैं, यहाँ पे हमने मेन को डायनामिक कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई है, मुझे नहीं लगा था इतनी लंबी हो जाएगी, पर हो गई, क्या करूँ। तुम टाइम देख सकते हो 1:03 हो गए हैं और मैं रात को से रिकॉर्ड करता हूँ ताकि एक तो आवाज साफ रहे, प्लस है मुझे काम होता है दिन में, तो मैं बिजी रहता हूँ, मैं डेली वीडियो लगाने की कोशिश करूँ घर से, तो देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर तुम नए हो या मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो मैं जानता हूँ तुम्हें उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो मैं तो गूगल करो, और गूगल पे अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तुम चाहते तो मैं बताऊँ तो नीचे कमेंट कर सकते हो, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम लिंक्डइन और मेरी ईमेल आईडी सबकी डिटेल्स है, तो तुम वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दैट इट फॉर टूडे वीडियो गाइज, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका काम खत्म हो गया हमारा मेन वेबसाइट का, हम एडमिन पैनल पर काम करेंगे जो कि इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है, तो फोकस्ड रहो, ठीक है, बोर मत होने देना खुद को, अगर तुम कुछ डेवलप कर रहे हो और बोर होने लगोगे तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा कोडिंग का, कोडिंग का मजा ही है, टाइम को मतलब कोडिंग जब तुम कर रहे हो मजा आएगा, तो टाइम को पता नहीं चलता कब बीत गया, उसी लेवल की कोडिंग होगी तभी ज्यादा तुम्हें फील होगा कि हाँ तुम कोड कर रहे हो, खुशी फील होगी। तो यार
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।